ट्रांसपोर्टेशन लैब में फिफ्थ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। हमें लास्ट लैब में हमने विटामिन का प्रैक्टिकल किया था और आज भी हम विटामिन का ही प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ विटामिन, विटामिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल का नाम है बोल रहे सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हम सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब बिटुमिन, हमें पता है एक तरह से बाइंडिंग मटेरियल है जो रोड में हाईवे में यूज़ किया जाता है, जो हमारे एग्रीगेट्स को जो छोटी छोटी गिट्टियाँ पड़ती हैं रोड पे उनको बाइंड करके एक लेयर बनाता है अच्छे से, तो बिटुमिन का यूज़ करते हैं। बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट हम पता करते हैं कि बिटुमिन किस टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाता है, कहाँ पर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना लिक्विड फॉर्म में होगा और ना ही रिजिड फॉर्म में होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, एक प्लास्टिक की फॉर्म में आ जाएगा। उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए वो हमारे पास ये है, ऑपरेटर्स हमें चाहिए रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, वाटर बाथ, थर्मामीटर और स्टील बॉल। रिंग बॉल ऑपरेटर्स का ये पूरा सेटअप होता है, ये सेट होता है, एक ग्लास जार होता है हमारे पास, एक हमारे पास स्टैंड होता है, इस टाइप का कुछ स्टैंड होता है, और उसके बाद ये रिंग्स होती हैं जिन्हें हम रिंग बॉल ऑपरेटर्स बोलते हैं, तो ये मेन रिंग्स होती हैं और ये छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, स्टील की बॉल, ठीक है। तो अब ये जो स्टील की बॉल्स हैं इनका जो डाया होता है, इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 9.5 mm, और इनका जो वेट होता है 2.5 ग्राम प्लस माइनस 0.05 ग्राम, कितना हम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा ऑपरेटर्स का सेटअप होता है। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले विटामिन को मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से, और ये जो रिंग्स होती हैं इनमें हम फिल करते हैं और उसको ठंडा करते हैं। आइए हम परफॉर्म करके देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास एक हीटर है जिसकी हेल्प से हम अपने विटामिन को मेल्ट करेंगे, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमारा हीटर ऑन हो चुका है, हमारे पास इस बाउल में कुछ विटामिन अवेलेबल है, इसको हम मेल्ट करेंगे, तो मेल्ट करने के लिए हम यहाँ पे रख देंगे। हमारा बिटुमिन मेल्ट हो चुका था अच्छे से, तो हमने क्या किया है, हमारे पास ये जो रिंग्स थी इनमें बिटुमिन को फिल कर दिया। रिंग्स में विटामिन को अच्छे से फिल कर लिया है दोनों में। अब जब तक ये रूम टेम्परेचर पे सेट होंगी तब तक हम इसको 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे हम रखेंगे सेट होने के लिए। जो हमारा रूम का टेम्परेचर होना चाहिए वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, तो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर जो है 22-24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो अभी हम इसको यहाँ पर रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रखते हैं। ये देखिए अब हमारा ये जो रिंग्स में आधे घंटे हो गए हैं, तो हमारा जो रिंग्स में विटामिन था ये अच्छे से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको आधे घंटे के लिए वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ, ये देखिए हमारा वाटर बाथ है। इसमें वाटर बाथ का क्या होता है, ये नॉर्मल सा सेटअप होता है, इसमें बस हम क्या करते हैं पानी के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो हम अपना पानी का टेम्परेचर यहाँ से सेट करेंगे, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर सेट कर लेंगे, और उसके बाद क्योंकि पानी थोड़ा सा पहले से हमने सेट करके रखा हुआ है, तो पानी थोड़ा सा ऑलरेडी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे आ चुका है। अभी हम क्या करें कि अपनी ये जो रिंग्स हैं हमारे पास जिनमें हमने विटामिन फिल किया था, इनको इस वाटर में फिल रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। अभी आधे घंटे हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे अपने रिंग्स को वाटर से निकाल देंगे।
हमने इसको वाटर बाथ से निकाल लिया है, अब इसमें वाटर वो बिटुमिन जो है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आगे जो हम प्रोसेस करेंगे कि हमें स्टीरिंग का वर्क करती है हमारी, इससे क्या होता है इसको हम सेट कर लेंगे। पहले अच्छे लगा दिया, ग्लास जार था उसको हमने पूरा वाटर से फिल कर लिया है और इसको हम प्लायर की हेल्प से आराम से इसमें डालते हैं। और अभी हमने हीटर को ऑन नहीं किया है, इसको रखते हैं। साथ में जो हमारा स्टीरिंग का वर्क करता है इसको हम इस पर सेट कर देंगे। ये क्या करेगा, ये पानी में रोटेट होते रहेगा जिससे पानी पूरा रोटेट होके अच्छे से गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे का ज़्यादा गर्म हो गया ऊपर का कम गर्म रहेगा, ये वाटर को रोटेट करता रहेगा तो वाटर अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये हमारा सेट हो गया है। ये क्या करेगा, जब हम ऑन करेंगे हीटर को तो ये पानी को रोटेट कराता रहेगा। अब ये हमारे पास जो स्टैंड था, इस स्टैंड में क्या करेंगे, हम अपनी रिंग्स को कुछ ऐसे करके सेट कर देंगे। ये रिंग्स हमारी सेट हो चुकी है। अब हमारे पास ये जो छोटी छोटी दो बॉल्स थी, इन बॉल्स को हम इस रिंग के ऊपर रख देंगे। और इस पूरे सेटअप को हम पानी में, ये हमारा पूरा सेटअप यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हीटर को ऑन करेंगे ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। ये हमारा वाटर जो टेम्परेचर लेते हैं वो 5 डिग्री पर मिनट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो अभी इसमें कुछ 10 से 15 मिनट हमारे लगेंगे, तब तक ये गर्म होगा। ये जो हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक ये जो इसमें बॉल्स हमें दिख रही होंगी ना, तो हमने बिटुमिन फिल किया है रिंग में। तो जब ये बॉल्स बिटुमिन मेल्ट होने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, तो क्या होगी, ये बॉल्स ऑटोमेटिक आके स्टैंड के जो नीचे वाली आपको सरफेस दिख रही है वहाँ पे गिर जाएंगी। जिससे क्या होगा कि हमें जब ये गिरेंगी, ये जब बॉल्स आके नीचे वाली सरफेस को टच करेंगी, तभी हम जो टेम्परेचर होगा वाटर का उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। हो सकता है हमारी फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के गिरने में कुछ टाइम का डिफरेंस हो, तो हो सकता है टेम्परेचर भी डिफरेंट लगे, तो हम दो रीडिंग अलग अलग नोट करेंगे। अभी ये जो हमारा वाटर हुआ है ना, इसका मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर कितना हुआ है। ये हमारी थर्मामीटर है, इसकी हेल्प से हम इसका वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। हम देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 60 के आसपास है। देखिए अभी हमारा वाटर अच्छे से मेल्ट हो गया, अनफॉर्मली अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉयल हो रहा है। तो इसमें जो हमारी बॉल्स थी, अगर दिख रही हो तो ये बॉल्स देखिए बिटुमिन में नीचे बैठने लगी। अब हम उस पॉइंट पे रीडिंग अपनी नोट करेंगे जब ये बॉल्स नीचे वाले बेस से आगे गिर जाएंगे। अभी हम अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारे उसका टेम्परेचर कितना है। ये देखिए अभी हमारे वाटर का
टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमें, अब बस कुछ ही टाइम में हमारी बॉल्स गिरने वाली है, तो हम अपना टेम्परेचर इसमें रख रहे थे, मेजर कर लेते हैं और इसको हम टेम्परेचर को ही नोट करेंगे। जिस टेम्परेचर पे बॉल नीचे गिर जाएगी, जो भी बॉल नीचे गिरेगी, एक साथ गिरेंगी तो एक रीडिंग आएगी, अगर दोनों अलग अलग टाइम पे गिरती है तो अलग अलग रीडिंग हम नोट कर लेंगे। अभी हम इसको देखते रहेंगे जिस टेम्परेचर पे बॉल्स नीचे गिरें। ये देखिए, ये एक बॉल हमारी नीचे गिर रही है बिटुमेन के साथ। ये एक बॉल जो हमारी गिरी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गिरी है। अब नेक्स्ट बॉल जो वो भी गिरने ही वाली है, उसका टेम्परेचर हम नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारी नेक्स्ट बॉल गिरी है 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्योंकि ये दोनों बॉल्स गिर चुकी हैं तो अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, हमें दोनों बॉल्स के टेम्परेचर मिल गए हैं। अब हम इनकी रीडिंग ले लेंगे और मीन वैल्यू निकालेंगे। जो भी मीन वैल्यू, जो हमारी पहली रीडिंग आई है, पहला टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दूसरा टेम्परेचर आया है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो इन दोनों की मीन वैल्यू ले लेंगे और जो मीन वैल्यू आएगी उसी को हम इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट मानेंगे। बिल्कुल, जो हमारी फर्स्ट बॉल का टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो सेकेंड बॉल का टेम्परेचर आया था वो आया था 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों की मीन वैल्यूज हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 डिवाइडेड बाय 105। मीन वैल्यू जो भी है वो निकाल लेंगे तो 100 प्लस 105 अपॉन 2 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 102.5। तो ये हमारा जो आया है पहले, ये है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा, हमारा रिजल्ट होगा, वो होगा 102.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो हमारे पास बिटुमिन अवेलेबल है उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 102.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये आज का प्रैक्टिकल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इस प्रैक्टिकल, ये सेकंड फिफ्थ प्रैक्टिकल जो था बिटुमिन का, सेकंड प्रैक्टिकल और हमारे सिलेबस में फिफ्थ प्रैक्टिकल, आज हमारे 5 प्रैक्टिकल कम्प्लीट।